जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम तिवारी सर। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स और मैं आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते होंगे, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, एनडीए हो या नेवी हो, इन एग्जामों को अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो जिसके लिए फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है वो रे ऑप्टिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की, हिंदी में किरण प्रकाश की, ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं उसे ही ऑप्टिक्स कहते हैं। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति की क्या करते हैं, स्टडी या अध्ययन करते हैं, उसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स में बहुत चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस, तो बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इसके लिए एक पार्ट है, सबसे पहले टॉपिक जो डिसाइड किया है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये एक कांच की पारदर्शी समतल प्लेट है, कांच की पारदर्शी समतल प्लेट, लेकिन अगर इसे पॉलिशदार चिकनी तरह प्लेट बनाना है, पॉलिशदार चिकनी प्लेट बनाना है, तो जिसके लिए कांच का पॉलिशदार, चिकना तरह, कांच का पॉलिशदार चिकना तल है, इस पर किसी माध्यम से कोई प्रकाश किरण आती है तो आने वाली कोई भी रे जो आती है वो इंसिडेंट रे आपतित किरण। और कांच के सरफेस के स्मूथ सरफेस पर जिस पॉइंट पर रे पड़ती है, किरण पड़ती है, उसी बिंदु से अभिलंब खींचते हैं। नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, इसे अभिलंब कहते हैं। और परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, जब प्रकाश किसी कांच के पॉलिशदार चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उस तल से टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश का पॉलिशदार चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें समझ लीजिए, किसी भी माध्यम से आने वाली रे को इंसिडेंट रे आपतित किरण कहते हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन के पश्चात जो जाने वाली रे होती है
उसे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं, और जिस पॉइंट पर कांच के स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ती रे उस पॉइंट से एक नॉर्मल खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं। अब जानते हैं इसमें प्रकाश के, ध्यान रखिए बेसिक नियम जो है परावर्तन के दो हैं, इसके दो नियम हैं। पहला नियम, फर्स्ट नियम क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इन आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है तीनों एक ही तल पर होते हैं या तीनों एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, ये क्या है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनता है इनके बीच में वो इंसिडेंट एंगल होता है, ये आपका इंसिडेंट एंगल। जगह बहुत शॉर्ट है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो सेकेंड लॉ क्या है, दूसरा नियम इसका, रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है इंसिडेंट एंगल, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, या कह सकते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात करते हैं मिरर, मिरर क्या है, तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण, गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है और जिसके एक तल पर पारे की कले या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और इसका दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। ये गोली पृष्ठ है, कटा हुआ एक भाग है गोले का, इसको नाम दिया है M1 M2। ऐसे ही एक गोली पृष्ठ और ले लिया जिसमें एक पार्ट लिया है M1 M2। गोली दर्पण दो होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण अगर बनाना है तो उत्तल दर्पण के लिए जैसा कि बताया, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जिसके एक तल पर, अगर गोली दर्पण में अंदर वाले तल पर पारे की कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो ये आपका, और बाहरी तल इसका परावर्तक तल कहलाता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण बनता है कॉन्वेक्स मिरर। और अगर गोली दर्पण में उभरे हुए या बाहरी तल पर पारे की कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो ये आपका बनता है अवतल दर्पण, जिसका अंदर वाला तल जो होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। ये एक गोला है तो इसके मध्य में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि वक्ता केंद्र होगा। गोली दर्पण सदैव मुख अक्ष पर रखा जाता है, प्रिंसिपल अक्ष पर, और जिस पॉइंट पर रखा जाता है उसे दर्पण का कोल या ध्रुव कहते हैं, पी। दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी जो होगी वो वक्ता त्रिज्या जो कि स्मॉल आर से लिख देते। ऐसे यहाँ पर भी ये भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि वक्ता केंद्र अवतल दर्पण का, और ये भी मुख अक्ष पर स्थित है और जिस पॉइंट पर होगा उसे दर्पण का ध्रुव पी कहेंगे। दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी हो जाएगी वक्ता त्रिज्या हो जाएगी जिसे स्मॉल आर से।
अब इसमें कुछ चीजें हैं, तो इसके अलावा भी एक मिरर होता है, इसके अलावा भी एक मिरर होता है जो कि प्लेन मिरर है। और आगे का टॉपिक जो है वो अब मैं कल या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।